सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो, और आप लोगों की स्पेशल डिमांड में हम लोग वापसी आ चुके हैं डिटेलिंग कासल में। हमारे साथ है साहिल भाई। क्या चल रहा है साहिल भाई? बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया सब कुछ, बहुत अच्छा। ठीक है भाई, तो क्या रिपोर्ट है भाई, लोगों की क्या रिस्पॉन्स चल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे काम को। सीरियल नंबर और QR हमारा हिट हो गया। और भाई ये थोड़ा थोड़ा कॉपी होना स्टार्ट कर ही देंगे लोग, तो देख लेंगे, हैं देखेंगे। लेकिन भाई वही चीज़ है ना भाई, जब प्रोडक्ट में हो दम, जब इंपोर्टर का हो साथ, तो हम लोग जो है भाई वो अपनी लाइफ में राइज ही करते रहते हैं। तो भाई आज मेन मुद्दे की बात में आते हैं। टुडे वी हैव दिस अमेजिंग लुकिंग Audi Q8, और ये S लाइन है, और प्लस ये गाड़ी का जो कलर है, दिस इज काइंड ऑफ ब्लू मेटेलिक, गैलेक्सी ब्लू मेटेलिक, या फिर ये ब्लू मेटेलिक कलर, ब्लू मेटेलिक कलर है। दिस इज ओनली वन इन दिल्ली इस कलर में, ये कलर वन इन दिल्ली। और वैसे गाड़ियां कितनी होगी? 5-6 अराउंड। क्या बात कर रहा है, इतनी होगी बस? 5-6, 55 को उतरो, 5-6 गाड़ी, 5-6। और ये गाड़ी जो है भाई कितने की होगी, कुछ प्राइस बता भैया? ये 1.7 अप्रोक्स, मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ के अंदर अंदर के लपेटे में ये गाड़ी है। तो भाई वी हैव दिस अमेजिंग कार विद अस, ऑल पीपल हु ओन्स 1 CR से प्लस गाड़ी वो ओन करते हैं। तो भैया आज आप लोगों को दिखाएंगे कि हम अपनी गाड़ी में क्या प्रोडक्ट जो है अवेल करने वाले। बिल्कुल। अब सबसे मेन मुद्दे की बात ये आती है कि भाई जब आपके पास ये कस्टमर आए, अगेन दिस कस्टमर हम इसको बोल सकते हैं कि इज अ वेरी प्राइम कस्टमर। बिल्कुल। तो कस्टमर आपके पास आए थे या उन्होंने अपने ड्राइवर भेजे थे, कैसा क्या था थोड़ा बताओ? सर कस्टमर खुद आए थे। कस्टमर खुद आए थे, सारे सैंपल चेक किए, सेफ शील्ड, यू शील्ड, प्रोटेक्टर शील्ड, तब जाके हमने यू शील्ड फाइनल किया, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, इंस्टेंट डील है, ये भी वन इन इंडिया हमारी गाड़ी है, तो फाइनल ये हुआ है हमारा। यार बड़ा अमेजिंग चीज़ है। तो गाइज आज आप लोग देखने वाले हैं Audi Q8 में हमें पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाते हुए, और ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है वो आप लोगों को बहुत ही एक रिनॉन्ड ब्रांड से मिलती है। अगेन हमारे स्टोल का नाम है डिटेलिंग कासल, वी हैव अमेजिंग प्रोडक्ट, चाहे वो कवच हो, चाहे वो यू शील्ड हो, हमारे पास सारे प्रीमियम ब्लैक PPF सब कुछ है, यू नेम इट वी विल गेट इट। और आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई कलर्ड PPF भी अभी ऑन मार्केट आने वाली है। 60 से ज्यादा कलर्स आएंगे PPF के अंदर, PPF एंड वी वर दी मतलब सेल्फी। भाई साहब आप लोगों को मजा आने वाला है, तो रैप रूप तो मुझे लग रहा है बंदी होने वाला है, देखें। लेकिन 60 से ज्यादा कलर है। चलो भाई, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव रखना है, नंबर नहीं रखना है, तो मैं आप लोगों को प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप गाड़ी PPF कराने आ रहे हैं, चाहे आप 1 करोड़ की गाड़ी लेके आओ या फिर 5 लाख की गाड़ी लेके आओ, ऑल्टो से लेकर Audi वाला कस्टमर सेम है, सेम हम सबको ट्रीटमेंट देंगे, सेम हमारा प्रोसेस होगा, और क्वालिटी कौन सी आप चाहते हो वो आप लोग अपने आप कर सकते हो। बिल्कुल। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अब ये बिल्कुल इनिशियल वीडियो स्टार्ट हो रही है कि हम लोग गाड़ी जब हमारे पास आती है तो हम करते क्या भाई, एक कस्टमर जैसे तुम्हारे पास आ रहा है गाड़ी लेके, तो क्या करते हो तुम? सबसे पहले जो सबसे जरूरी है, वॉक अराउंड, वॉक अराउंड, जहाँ कहाँ स्टोन चिप्स है, कौन सा स्क्रैच नहीं जाएगा, सबसे पहले वो दिखाते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर को ये दिखाया जाता है कि भैया आपकी गाड़ी में यहाँ कमी है। बिल्कुल, यहाँ कमी है, सॉल्व मार्क्स तो हम हटाई देंगे जितने हट सकते हैं। अगर कस्टमर नहीं है तो व्हाट्सएप पे वीडियो जाती है, सबसे वीडियोस देते हैं। वीडियो। चलो भाई बढ़िया हो गया, वॉक अराउंड जो है सबसे पहले हम अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है भाई? उसके बाद हमारा रहता है वॉशिंग, वॉशिंग का, वॉशिंग। यार ये क्या है, मतलब लोग तो कहते हैं भाई वॉशिंग तो हर कोई करता है। ₹50 की वॉशिंग और 500 में फर्क रहता है। अच्छा क्या फर्क है भाई? सबसे pH लेवल का रहता है। ठीक है, जहाँ 5 मीठा पानी, सेंटर पे 5 होता है, बाहर 10 होता है। अच्छा, एसिडिक वाला होता है वो। ओके, क्लिनिक प्लस की जगह प्रॉपर गाड़ी का शैम्पू यूज होता है, वो भी pH लेवल 5 के साथ। भाई ये बड़ी सही बात कह रहा है, बाहर तो क्लिनिक प्लस के 2-3 रुपए वाले शैशे से साफ कर देते गाड़ी, पता नहीं भाई उससे क्या क्या स्क्रैच क्रूच क्या आता है। फिर जहाँ इंजन में वो लोग पानी यूज करते हैं, हम इंजन डिटेलिंग करते हैं। ओके, केमिकल के साथ, केमिकल हमारे पास स्टीम वॉश भी है, स्टीम वॉश भी है, इंजन डिटेलिंग भी है, दोनों ऑप्शन है। ओके, तो हम दोनों का जो है मिक्सचर जो है वो लोगों तक पहुंचा देते हैं। और उसके बाद क्या रहता है भाई? उसके बाद हमारा स्टेप आता है क्लेइंग का, क्लेइंग का, क्लेइंग का। तो क्लेइंग में बेसिकली क्या करते हैं? बार की मदद से जो हमारे आयरन पार्टिकल्स है जो हम नहीं देख सकते, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं। कोई पेंट का सरफेस रफ है, PPF में सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको स्मूथ करना बहुत जरूरी है। तो भाई मतलब क्लेइंग जो है बेसिकली जो भी रेजिड्यू होगा, सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, सबसे जरूरी स्टेप है, और कई सारे लोग मिस कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है, तो आई गेस आपको आइडिया मिल गया होगा। सो गाइस आप लोगों ने इनिशियल प्रोसेस सुन लिया, जिसमें हम लोग गाड़ी की सबसे पहले एक वॉक अराउंड वीडियो लेते हैं। बिल्कुल। देन वी गो फॉर कि भाई आप कस्टमर तक शेयर कर दो कि यहाँ स्क्रैच है, ये स्क्रैच निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, या फिर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई होता क्या है कि भाई परेशानी हो जाती है। जो अच्छा, स्टोन चिप है वो कैसे निकलेगा? अच्छा एक चीज और मेरे को बताना, आप लोग कस्टमर को ये भी तो बताते होंगे ना कि आपका पार्ट पेंट हो रखा है। बिल्कुल, ये चीज भी तो हम लोग इस प्रोसेस में, पेंट थिकनेस टेस्टर होता है, ठीक है, 50-120 माइक्रोन अगर है ओके, तो ओरिजिनल पेंट है। अगर 200 या 300-500 जा रहा है तो वो फिर रीपेंट में आता है।
ठीक है भाई, और हजार हजार भी चले जाता है जो बहुत ही खराब पेंट होता है, मोटा मोटा कोट लगा तो वो रीपेंट चेक करना ही पड़ता है, और वो अलग से नजर आ जाता है अगर कोई पैनल रीपेंट है। ठीक है भाई, तो वॉशिंग तक से पहुंच गए आप लोग, उसके बाद आपने क्लेइंग कर दी, क्लेइंग के बाद क्या प्रोसेस आता है? क्लेइंग के बाद हमारा मास्किंग। ठीक है, मास्किंग, मास्किंग बेसिकली क्यों करते हो भाई, थोड़ा इलैबोरेट करके? मशीन अगर किसी ट्रिम या रबर पार्ट पे चलती है तो व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, मतलब वो छोटा छोटा दाने दाने आ जाते हैं, ठीक है, वो रिमूव नहीं होते फिर। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन आता है पेंट करेक्शन का, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग या रबिंग, इजी शब्दों में रबिंग, मशीन जो मशीन चलाना है। जो होता है वूल पैड के साथ जो चलता है, जितने भी स्वेल मार्क्स और स्क्रैचेस हैं वो खत्म करते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा आपसे भाई, देखो वूल पैड भी एक नॉर्मल है, एक दूसरा पैड भी होता है, वो पॉलिश वाला तो लास्ट में यूज होता है, तो ये वूल पैड में क्या होता है, मतलब बड़े स्क्रैच काटता है ये? आपके स्क्रैच जितने भी होते हैं वो वूल पैड ही काटेगा। ठीक है, अगर लाइट स्वेल मार्क्स है तो वो फोम पैड काटता है, वो फोम पैड काटता है, फोम पैड काटेगा। ओके, जहां स्क्रैच नहीं है तो सीधा हम फोम पैड पे शिफ्ट हो जाते हैं, हम वूल पैड यूज ही नहीं करते। वेरी नाइस भाई, तो ये आप लोगों को जो है जरूर समझना भी चाहिए, और भाई बड़ा एक क्रूशियल पार्ट है ये भाई, पीपीएफ के जितने भी स्टेप है, चाहे वो वॉशिंग हो या क्लेइंग हो, सब जरूरी है, सब जरूरी पार्ट है। तो इसमें आप लोगों ने कंपाउंडिंग में, अगेन वी हैव द रिनॉन्ड प्रोडक्ट्स, हम कोई कुछ भी स्टेप मिस नहीं कर सकते, है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना, चाहे गाड़ी हमारे पास 10 खड़ी हो चाहे 2 गाड़ी खड़ी हो, स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। सो भाई आप लोगों ने इनिशियल प्रोसेस जो कि वॉशिंग और आप लोगों का क्लेइंग वाला, उसके बाद आप लोगों का पूरा कंपाउंडिंग वाला प्रोसेस आपने समझ लिया, वो डिटेलिंग का प्रोसेस है पूरा। ठीक है भाई, तो डिटेलिंग के प्रोसेस तक आप लोग क्लियर हो चुके हो, अब इसके बाद देख सकते हो आप लोग अगर पास से भी देखना चाहोगे तो इस पीस में जो है पीपीएफ ऑलरेडी लग चुकी है। तो भाई अब मोटी बात जो जानना चाहूंगा, एक गाड़ी में पीपीएफ करने से पहले हम क्या क्या चीजों करते हैं, चाहे वो मेजरमेंट हो कुछ भी हो, सब कुछ लोगों को सही से समझाओ भाई। पीपीएफ का रोल आपने निकाला, क्यूआर हमने चेक किया, सीरियल नंबर हमने चेक किया, ठीक है, कस्टमर को लास्ट में स्कैन कराना है डिलीवरी के टाइम, ओके, रोल को काटा, अब सबसे पहले मेजरमेंट लेते हैं पैनल की, ठीक है, आपका बोनट से लेकर फेंडर तक, ठीक है, फिर हम पूरा रोल रख के गेट का अलग कटवाते हैं, फेंडर का अलग, मतलब मोटी मोटी बात ये होगा कि आप पीसेस को कटवा के कटवा के रोल कर लेते हो, उसकी कैप शीट उतार के रोल को अंदर गाड़ी पे रख देते हैं, ठीक है, उसकी उसकी जगह पे, ठीक है, फिर हमारी प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपका फोम शैम्पू तैयार होता है, आईपीए तैयार होता है, ठीक, फिर प्लेन वाटर भी चाहिए होता है वो तैयार होता है, फिर पीसेस लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये लगाने के लिए तो भाई बहुत प्रिसाइज वर्क चाहिए होता होगा भैया, कोई भी गाड़ी हो ए टू जेड सबको बारीकी से ही करना पड़ता है। और ये जैसे डोर हैंडल्स हो गए भाई, अब जैसे इतनी प्रीमियम गाड़ी आप कर रहे हो तो क्या इनके डोर हैंडल्स खोलते हो आप लोग? ऑप्शंस दो हैं, ठीक है, लोग उरुस के भी खोलते हैं डोर हैंडल, हमने वीडियो भी देखी हुई है, ओके, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। अब कस्टमर ने था मेरे को कुछ भी नहीं खुलवाना, लोगोस वोगोस कुछ नहीं करवाना, तो उनका हमने यहाँ पर कट मारा है, लेकिन हमने कट मार दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन लोग बाहर से कट मारते हैं, ये करते ही नहीं है, लेकिन अंदर कोई बता नहीं सकता है कि आपने कट मरवाया, अगर आप ज्यादा ही पास जाके देखोगे तो कोई बता सकता है कि कट मारा है। ठीक है भाई, तो आई गेस आप लोगों को विजिबल भी वो चीज होगी, तो यही प्रोसेस होता है। देखो गाइस, ये बड़ा सुनने में तो बड़ा इजी सा लगता है, लेकिन जब प्रोसेस हो रहा होता है, PPF टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ये गाड़ी में भाई कितना रोल लग जाता है? पूरा रोल लगता है? एक पूरा रोल लगेगा, एक पूरा रोल गाड़ी के ऊपर जो है वो लग जाता है भाई। तो क्वालिटी जो है वो आप लोगों को डिफरेंस वाइज भी जो है लास्ट में हम लोग पूरा आउटपुट वाइज दिखाएंगे। बिल्कुल, बाकी अभी के लिए आई गेस आप लोगों को प्रोसेस समझ आ चुका है। बाकी नेक्स्ट में आप क्या देखने वाले हो, एक पीस को मैं आप लोगों को बकायदा पूरा लगाते हुए दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिटेलिंग कासल का एक न्यू इन्वेंशन जो हम लोग लेके आए, है ना, स्टे ट्यून्ड रहो, आप लोगों को मजा आएगा। सो भाई जब हमने पहली वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को यहीं पर हमारी सारी की सारी पीपीएफ दिखाई थी, 1, 2, 3, 4, और भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट मुसाफिर भैया ने अपनी फॉर्चुनर में भी पीपीएफ कराई, बिल्कुल, अपनी पोलो में भी कराई, थार में हो रखी थी ऑलरेडी पीपीएफ, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ इनोवेशन उसमें भी करेंगे, कोई अलग हटके कलर करेंगे, हटके कलर करेंगे भाई, लीगल करूंगा जो भी होगा, लेकिन देखेंगे जैसा होता है, आरसी पे चेंज करा लेंगे, आरसी में अगर चेंज होता होगा तो भाई आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट गाय टू डू दैट। और भाई आई एम प्राउडली प्रेजेंटिंग यू, पहले इधर पढ़ो, इधर क्या लिखा हुआ है, मेड इन जापान, भाई ऐसी छपाई नहीं कर सकते आप, हम इम्पोर्टर का वो भी दिखा देते हैं, पढ़ना भाई जरा, ये जरा 20 साल पुराने इंपोर्ट, ये ब्रांड जो है ना भाई, ये मतलब जो इंपोर्ट करके देते हैं, ही इज अ वेरी रेनॉन्ड गाय, और भाई नाउ ऑफिशियली मेड इन जापान का जो है, ये क्या है भाई हमारा इसमें, ये पढ़ के हमारे पास है एक्सक्लूसिव कोटिंग लिखा है इसमें, नाम भी ग्लास कोटिंग, देखना भाई इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये ठीक है भाई, ये आप लोग पढ़ सकते हो, डीसी ग्लास कोटिंग हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, डीसी पीपीएफ हाई ग्लॉस कोटिंग, सेरेमिक कोटिंग, हाँ वन वन इन इंडिया ये वाला जो होगा कॉपी होगा, सेरेमिक कोटिंग, ग्लास कोटिंग, एलॉय व्हील एंड कोटिंग, सेरेमिक मेंटेनेंस कोटिंग, भाई आप लोग प्रोडक्ट चेक करो हमारे, क्रेजी प्रोडक्ट्स, और ये हमारे पास एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव, ये बाहर नहीं मिलेगा आपको,
ये नहीं मिल सकता भाई, इम्पोर्टर सर ने हमारे लिए थोड़ा बढ़िया कर दिया। नहीं, ये बाहर नहीं मिलेगा आपको। वेरी नाइस यार, और बड़ा ही मतलब ट्रेंड सेटर है यार ये प्रोडक्ट। बिल्कुल है, बिल्कुल मजेदार चीज है भाई। और क्या भाई इसमें क्या इनोवेशन, हमको एक अनबॉक्स कर दूं? कोई भी कर दो, कवच कर लेते हैं, कवच कर वन इन इंडिया कर लेते हैं। तो भाई मैं एक अनबॉक्स करके तुम्हें दिखाना भी चाहूंगा, क्योंकि ये वो हल्का काम नहीं है कि चाइना से लाए, यहाँ पर डिब्बिया भरी घर के अंदर ही, उसके बाहर स्टिकर निकाला, प्रिंट आउट और लगाया और घर चल पड़ो भाई। पीपीएफ और बॉटल्स में चाइना हम जानते ही नहीं है क्या होता है। ठीक है भाई, वी हैव मेड इन जापान भाई। मुसाफिर भैया अपनी गाड़ी में कोई चीज़ लगाते हैं तो आपको पता है कितनी आरएनडी करके लगाते हैं। अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने लाइव करके दिखाता हूँ, और देखो भाई पैकेजिंग बहुत तगड़ी है इसकी। आपको ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा तब वो। अच्छा, अरे भाई निकाल दूंगा मैं, देखो। सो भाई श्री गणेश कर रहे हैं आप लोगों के सामने हमारे प्रोडक्ट को। सो ये क्या बोलते हैं इसको भाई, एप्लीकेटर ब्लॉक। ठीक है भाई, एप्लीकेटर वाली चीज हो गई, ये स्वीट लेदर हो गया, स्वीट लेदर या स्वेट क्लॉथ, स्वेट क्लॉथ हो गया आप लोगों का। एंड 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 देखना भाई कितनी वन इन इंडिया क्वालिटी है। वेरी नाइस भाई, ये सेरामिक कोटिंग नहीं है, ये पीपीएफ कोटिंग है, पीपीसी हमारी। भाई जिनको लगता है ना कि गाड़ी के ऊपर सेरामिक कोटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भाई मत कराना, तुम्हारी पीपीएफ की भी लाइफ खत्म हो जाएगी। नहीं, स्पॉट्स आ जाएंगे आपके, स्पॉट्स आ जाएंगे। शुरू में एक महीने आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको धब्बे नजर आ जाएंगे अपने आप। तो भाई इस बारे में जरूर समझो, बाकी गाड़ी का काम आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों से और बातचीत करेंगे। सो गाइस, जैसा आपको मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को पर्टिकुलर एक जो है आइडिया दे दूंगा जिसमें आप लोगों को लाइव पीपीएफ लगता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं भाई, डिटेलिंग होता है, ये जो मेन वर्ड डिटेलिंग होता है ना, उसका मतलब ये होता है जो भी आपके पीपीएफ के कॉर्नर होंगे, चाहे ये वाला आप कॉर्नर ले लो, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जब खारा पानी होता है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल बारीकी से। तो उसमें केमिकल आता है हमारा जो वाटर स्पॉट्स रिमूव करता है, उसके बाद पीपीएफ तक होती है। जो आपने सुना होगा ना पीपीएफ खुल रही है, वो इसी वजह से खुलती है। और इसमें अगर आप लोग देखोगे इसमें हर तरीके का ब्रश यूज होता है भाई, इसमें टूथब्रश भी यूज होता है। टूथब्रश इसलिए यूज होता है, कोई नहीं दिखाता ना भाई, कोई नहीं दिखा, हम दिखा रहे भाई देखना। और हमारे पास प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है, ब्रश इसलिए यूज होता है, यहाँ आपका डिटेलिंग ब्रश कैसे घुसेगा। सही बात है भाई, ये टूथब्रश ही जा सकता है। और भाई देख लो भाई, चाहे गाड़ी हमारे पास ऑडी आए, चाहे ऑल्टो आए, कुछ भी आए, ये इसको दिखाने में लोग शर्माते हैं। ठीक है, और कुछों को तो पता ही नहीं है। सही बात है, कुछ ऐसे ही चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। वेरी नाइस भाई, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है डीप क्लीनिंग, जैसे हम वॉशिंग करते हैं ना, वैसे ये डीप डिटेलिंग है। डिटेलिंग का मतलब ही यही है, यही मेन मतलब। ठीक है, सो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जैसा आप लोगों को पता है रोल के अंदर जो पीस होता है उसको दरवाजे के हिसाब से कटिंग कर दी गई है। कटिंग करने के बाद में अभी हम इसके ऊपर क्या मार रहे हैं भाई, अब हमारा शैम्पू पानी चलता, शैम्पू और पानी का मिक्सचर इसके ऊपर चलाया जा रहा है, और यही चीज जो है वो हम लोग अपने डोर पैड के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो हम जाने वाले हैं उसमें हम लोग पीपीएफ की एप्लीकेशन जो है वो हम लोग जो है इसके ऊपर कर रहे हैं, आप लोगों के सामने है। और भाई देखो ये प्रोसेस जो है ना, ये आप लोगों ने देखा तो कई सारी जगह होगा, लेकिन कितना क्लीनली कितना नीटली आप लोग होते हुए देख रहे हो आपके सामने, है ना, जब आपको पूरा टोटल फील जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जैसा आप लोगों को पता है कस्टमर ने जो है डोर हैंडल अपने नहीं खुलवाए, वैसे इसको खोलने में क्या गत्ते सब खुलता है, नहीं नहीं सब खुलता है, लेकिन वो वैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, वैसे इंस्टॉल हो जाता है। तो आप लोग अगर चाहो तो वो चीज़ हम लोग बिल्कुल आप लोगों को वैसे इंटैक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रूजी की मदद से जो है ये लोग पूरा इस पानी को निकालेंगे, मीनवाइल ये सेटिंग कर रहे हैं भाई, अब देख लो। और इसके आगे का प्रोसेस आप लोगों को पता ही है भाई, बहुत बारी हमने वीडियोस में बताया हुआ आप लोगों को, तो आई गेस आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी आई गेस अब हमें फाइनल लुक में दिखाना चाहिए गाड़ी को, फाइनल लुक दिखाएंगे, है ना, तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी। लेकिन अगेन अगर आप में से कोई भी आ रहा है, आप लोगों को अनबीटेबल प्राइसिंग मिलेगी लग्जरी गाड़ी में, प्राइस कोई मैच नहीं कर सकता, प्राइस हमारा कोई मैच नहीं कर सकता, ये है भाई, वी आर अनबीटेबल ब्रांड के अंदर। ठीक है भाई, तो आप लोग देख लो, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, बाकी आप लोगों को पूरा रेडी होने के बाद दिखाता हूँ। गाइस ये रिस्पॉन्स है हमारी पीपीएफ का बिल्कुल फाइनल में, और भाई हमारी जो ग्लॉसीनेस है और हमारे जो कहते हैं ना एक लुक आता है पीपीएफ का, वो बहुत ही जो है आप लोगों को प्रीमियम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आप लोग जो है हमसे एलॉय व्हील्स और साथ ही साथ में आप लोगों के ग्लासेस में जो है ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं, जो कि सेरेमिक आप लोगों का होता है। साथ ही साथ में हमारे पास है सबसे अमेजिंग एंड ओनली वन इन इंडिया चीज़, जो कि है पेंट प्रोटेक्शन कोटिंग। ठीक है भाई, पीपीसी हमारे पास अवेलेबल है, और ये आप लोग की गाड़ी को ना पूरा वो सेरेमिक वाला मजा देता है, लेकिन ये सेरेमिक नहीं करते भाई, ठीक है, पीपीसी कोटिंग होती है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों ने जो है गाड़ी का फाइनल आउटपुट चेकआउट कर लिया होगा,
एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। बाकी अगर आप में से कोई भी अपनी नेकेड आइज से इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहे तो हम लोग आप लोगों को बकायदा आपकी गाड़ी के ऊपर डेमो भी दे देंगे, अपनी गाड़ी के ऊपर भी डेमो दे देंगे। जब भी कोई कस्टमर आता है कंफ्यूज होता है तो हम मैट ब्लैक कवच SS70 यू शील्ड सब लगा देते हैं। तो सब कुछ लगा के हम आपको दिखाएंगे कि भैया ये लगाओगे तो ये रिस्पॉन्स है, ये लगाओगे तो ये होगा। सेल्फ हील ये होता है, इंस्टेंट हील ये होता है, सेरेमिक ये होता है और ग्रेफिन ये होता है। तो ये A to Z आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की जो वीडियो आप लोगों ने देखी, ये हमने Audi Q8 में की थी। अगेन इट वॉज द रेयरेस्ट कलर इन दिल्ली, क्योंकि हमने किया था इट वॉज ओनली कलर इन दिल्ली ऑल्सो। और इस कलर को करना भी भाई PPF बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रैच, सोल मार्क्स, बहुत चीज़ें इसके ऊपर आ जाते हैं। स्क्रैच बहुत थे, बहुत थे। तो भाई उससे हम लोगों को फायदा तो हो ही गया कस्टमर को। PPF तो मस्ट है भैया, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट है। तो भाई आप लोगों को एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर आप में से कोई भी आने का प्लान कर रहा है आप लोग आ सकते हैं डिटेलिंग कासल। हमारी कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है, नहीं। अगर आप लोग आ रहे हो आपको साहिल यहाँ पर असिस्टेंट पूरा देगा। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब QR कोड से स्कैन होते हैं, उनकी वारंटी वहीं से बनती है। और बाकी आप लोग अगर एडिशनल ऑफर्स लेना चाहो तो वो मैं YouTube में नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वीडियो आप एक साल बाद भी देख रहे हो सकते हैं, 5 महीने बाद भी देख रहे हो सकते हैं। तो कनेक्ट रखने के लिए आप लोग जो है स्टोर पे आइए, मोस्ट वेलकम है। बेस्ट प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बेस्ट मतलब अनबीटेबल। वो चाइनीज रेट वाले नहीं दे सकते भाई, 25,000 वाला रेट नहीं दे सकते, 35,000 वाला रेट नहीं है, नहीं देंगे भाई। हम लोग करेंगे क्वालिटी वाला काम, करेंगे चाहे कम करें लेकिन क्वालिटी वाला। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतने गाइस, आइए आप लोग मोस्ट वेलकम है हमारे डिटेलिंग स्टोर में। बाकी आप लोगों से जो है एक और नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे कर दीजिए भाई, बाय बाय।